आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा स्नैक्स जिसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, जब चाहे तब खा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले एक बाउल में हम एक कप मैदा लेंगे। इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स 1/4 चम्मच। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ऑरिगैनो 1 छोटा चम्मच, अजवाइन 1/4 चम्मच, नमक 1/2 छोटा चम्मच, यह अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं आप। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हमने डाला है मोयन 4 बड़े चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो देखिए मोयन हमारा बिल्कुल सही है, लड्डू बन रहे हैं इसके। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा ताकि ये गीला ना हो जाए, नहीं तो सारी क्वांटिटी चेंज करनी पड़ जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक अच्छा डो तैयार कर लिया है। 1/2 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। एक गीले कपड़े से ढक देंगे इसको। तो देखिए 1/2 घंटा हो गया है और ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे एक बार और अच्छे से हाथों से मल लेंगे और फिर इसको सिलेंडर शेप देंगे और छोटे छोटे से पेड़े काट लेंगे। तो इसे हम अच्छे से रोल आउट कर लेंगे, फिर छोटे छोटे से पेड़े काट लेंगे कुछ इस साइज़ के। इसको राउंड शेप देंगे और हम इसे बेल लेंगे। सारे ही पेड़े ऐसे बना लेने हैं हमको। तो ये देखिए सारे पेड़े तैयार हैं। अब इसे ढक देंगे फिर से ताकि ये सूखे नहीं। और अब हम बेलेंगे अपने एक पेड़े को अच्छे से। इसे छोटी सी पूरी का शेप देंगे। अगर आपसे राउंड ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी कुकी कटर से या ग्लास से भी इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो हम इसमें ग्लास की सहायता लेंगे और इसे एक राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमने ग्लास लिया है। आप चाहे तो ग्लास लें या कुकी कटर, आपके ऊपर है। या आप ऐसे ही गोल बेल सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिए हमने इसका। तो ये हमें कुछ इस शेप का मिल गया है। आप एक नाइफ की सहायता से बीच में कट देंगे, ऑपोजिट साइड में एक देना है, एक तरफ दो, ये मिड में देना है, ध्यान रखिएगा इसका। अब इसे पानी लगा के इसे आपस में चिपका लेंगे कुछ इस तरीके से। और जो बीच वाला पार्ट है इसको ऊपर से रोल ऑन कर देंगे ताकि ये परफेक्ट बो लगे। तो देखिए बनके तैयार है हमारी परफेक्ट बो। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल बहुत अच्छा गर्म है, फ्लेम को लो पे कर देंगे और एक एक करके सारी बो इसमें डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है। कढ़ाई में उतनी ही बो डालिए जितने कि आप अच्छे से फ्राई कर सकें। कुछ इस तरीके से इसमें बबल छूट रहे हैं, जैसे ही ये पक जाएंगे ये बबल शांत हो जाएंगे। तो ये देखिए कुछ में तो कलर भी आने लगे हैं। इन्हें पलटते रहेंगे ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो, ना कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। देखिए बबल बिल्कुल शांत हो गए हैं और इनमें अच्छा कलर भी आ गया है। तो हम इन्हें निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद एक एयर कंटेनर में इसको हम रख देंगे ताकि इसमें हवा ना जाए और ये महीनों तक रख के खाए जा सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। तो इन्हें हमने अच्छे से निकाल लेना है और सारा ऑयल निकाल देना है। ये देखिए
और बिल्कुल तैयार है ये सर्व करने के लिए। जब मन करे चाय के साथ, दूध के साथ, जैसा मन करे केचप के साथ आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।